कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो कि हमें मिले हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं इलेक्शन लड़ने से पहले, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन जायदाद का जिक्र जो है वो नहीं है। आसिफ अली जरदारी के वो फॉर्म भी हमने जमा करा दिए हैं जिसके अंदर ये साबित होता है कि पाकिस्तान से बाहर जो जायदाद है वो उन्होंने साबित नहीं करी है। माफी नहीं है, एहतसाब शुरू हो चुका है, तैयारी पकड़ लें। आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर, इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजार का मौकिफ सुनेगा, समाअत आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने इलेक्शन कमीशन से असासे छुपाने पर आसिफ अली जरदारी को नाअहल करने की दरख्वास्त की थी। नवाज शरीफ के खिलाफ पाक पतन दरबार अराजी केस, तहकीकात के लिए तश्कील जीआईटी का सरबराह तब्दील, डीजी नेक्टा खालिक दाद ने जाती वजूहात पर तहकीकाती टीम में शमूलियत से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने डीजी एंटी करप्शन पंजाब हुसैन असकर को जीआईटी का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया, नई जीआईटी को 10 रोज में टीओआर देने का हुक्म। करेंगे और जल्द बेल भी हो जाएगी। स्पीड के साथ काम हो। जुमेरात कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन, वालिदा बेटी मरियम नवाज, भतीजे हमजा शहबाज और लीगर रहनुमाओं की मुलाकात, नवाज शरीफ ने अहले खाना के साथ दोपहर का खाना खाया। एहसन इकबाल कहते हैं मईशत को पंचर, मुल्क को दोबारा भिखारी बनाने वाले आज ऐवान में हैं, मुस्लिम नून फिर मुल्क की बागदौड़ संभालेगी, अयाज सादे को नवाज शरीफ की जल्द जमानत का यकीन। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कैदियों के तबादले का माहदा अंजाम पा गया, माहदे पर बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस च्यू और सिक्योरिटी दाखिला ने दस्तखत किए, दोनों ममालिक में कैद मुजरिम सजा का बाकी अरसा अपने मुल्क में काटेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि दोनों मुल्कों में तआवुन मजीद मुस्तहकम होगा। हुकूमत और अपोजिशन का नैब कवानीन में तरामीम पर इत्तेफाक, वजारत कानून ने मुसविदा तैयार कर लिया, चेयरमैन नैब के लामहदूद इख्तियारात में कमी की सिफारिश, प्ली बार्गेन का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़, प्ली बार्गेन आइंदा सजा के जुमरे में तस्वर होगी, नैब का रिमांड 90 रोज से कम करके 14 दिन करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मक्तूल अली रजा आबदी के लिए दुआए मगफरत, काबीना इजलास में 20 नकाती एजेंडे पर गौर, फरुख सब्जवारी को चेयरमैन SECP बनाने की मंजूरी दी जाएगी। ये है नया पाकिस्तान, वज़ीर आज़म का उस्मान बुज़दार की तस्वीर के साथ ट्वीट, तस्वीर में वज़ीर आला पंजाब आम लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। बेनजीर भुट्टो की 11वीं बरसी, पीपी रहनुमाओं और जेलों की बीबी के मजार पर हाजिरी, गढ़ी खुदाबख्श में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कारकुन पिंडाल पहुंचने लगे, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे, साबिक सदर ने अपने पैगाम में कहा बाइख्तियार पार्लियमान पर समझौता नहीं करेंगे। $2 अरब नवाज शरीफ साहब ऑफर कर चुके कि मेरी जान छोड़ दो, $2 बिलियन। कल काम की सजा एक पेनल्टी है तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप के लिए क्यों नहीं अवेलेबल? नून लीग के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने फैसल वावड़ा का दावा मुस्तरद कर दिया, कहा जब कुछ किया ही नहीं तो पेशकश किस चीज की करेंगे, पेशकश का मफरूजा अफसोसनाक है, मैंने कहा था अलीमा खान को जुर्माना लेकर क्यों छोड़ा, अलीमा खान और जहांगीर तरीन ने जुर्म कबूल किया, रेफरेंस में उनके लिए जेल क्यों नहीं है। शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है,
नवाज शरीफ आज इस मुकाम पे इसलिए पहुंचा है कि उसने शहबाज शरीफ की नहीं मानी, उसकी गोटी फिट है। मैं तीन दफा तो नहीं एक बयान दे सकता। मैं सोच रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं पब्लिक अकाउंट कमेटी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैसे बनाया गया? तहफ़ुज़ात हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। कहा, चोर के खिलाफ इमरान खान के साथ खड़ा हूं। नवाज शरीफ और जरदारी खानदान का सियासत में मुस्तकबिल नहीं। वजीर रेलवे ने कहा, मोदी को इलेक्शन में शिकस्त हुई, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान के सिफारतकारों को इन्होंने रोड पर रोका हुआ है और ये आवाम भी बना रही है कि नाम निहाद सेक्युलर भारत की छोटी सोच, घटिया काम। दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को फिर हरासा किए जाने का इंकशाफ। एक सिफारतकार का ईमेल अकाउंट हैक करने की कोशिश, हैकर्स की लोकेशन भारतीय वजारत दिफा साउथ ब्लॉक में कल आई। हाई कमीशन हुकाम के घरों पर गैस और पानी की फराहमी में रुकावट, पाकिस्तानी हाई कमीशन का एहतजाजी मरासला, भारतीय दफ्तर खारजा को अरसाल। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील कर दी। मेजर्स फर्गोसन रॉयल पाम क्लब की नई इंतजामिया मुकरर। सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चलेंगी, रेलवे का रिकॉर्ड क्लब से बाहर नहीं जाएगा। अदालत का हुक्म, चीफ जस्टिस ने रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाने पर भी पाबंदी लगा दी। غذائی قلت سے تھر میں چار بچوں کی اموات کا مقدمہ، چیف جسٹس نے مانیٹرنگ کمیشن تشکیل لینے کا حکم دے دیا۔ کمیشن سندھ حکومت کے اقدامات پر ہر ماہ رپورٹ پیش کرے گا۔ خواتین کو گندم کی فراہمی میں شفافیت نہیں ہے، صرف باثر خواتین کو گندم فراہم کی جا رہی ہے، ڈاکٹرز بھی غفلت برت رہے ہیں۔ سیشن جج تھر نے رپورٹ میں انکشاف کیا۔ चार गोलियां उनको लगी हैं। हम हर एंगल से इस केस को अभी वर्कआउट कर रहे हैं। साबिक रुकने कौमी असेंबली अली रजा आबदी के कातलों को पकड़ने का टास्क, तहकीकात के लिए खसूसी टीम तशकील दे दी गई। एसएसपी साउद अपीर मोहम्मद शाह सरबरा मुकरर। अली रजा आबदी को ताकुब करके निशाना बनाया गया, टारगेट किलिंग से पहले की वीडियो सामने आ गई। आर्मी राइफल एसोसिएशन के जेर एहतमाम जहलम में कौमी मुकाबले, मुसल्ला फौज पुलिस और सिविलियंस की 28 टीमों की शिरकत। आईएसपीआर का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से मुतासर अफसरान और जवान भी मुकाबलों में शरीक हुए। आईजी ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल शेरफकर ने कामयाब शुरका में इनामात तकसीम किए। There's a neck and there's a wicket. So that's the end of Temba Bavuma. He's played so well. Out. Another of those slower balls. Nothing on it. सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन का खेल, शाहीनों ने प्रोटियास को 223 रन पर आउट कर दिया। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान पर 42 रन की बढ़तरी हासिल। शाहीन आफरीदी की कैरियर बेस्ट बॉलिंग, चार खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद आमिर की शानदार वापसी, चार विकेटें हासिल की। आवाम के लिए साले नौ का तोहफा, बिजली की कीमत में कमी कर दी गई, फी यूनिट 31 पैसे कम। सार्फीन को 2 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा।